इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती घिसीबाई एवं श्री धूलचंद जी एवं पुत्रवधु भगवंती देवी की स्मृति में श्री कालूलाल जी केलावत, पुत्र पुत्रवधु महावीर, पुष्पा, मुकेश, रेखा, बेटी दामाद अनीता, रमेश जी भिंडरिया, पौत्र पौत्री मनीष, भारती, हर्ष, पलक, विशाखा एवं समस्त केलावत परिवार गुड़ेल, हाल गोरेगांव मुंबई। फर्म अरिहंत वाइंडिंग एंड हार्डवेयर, आदिनाथ ट्रेडर्स मुंबई। जय श्री। दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में राजस्थान राज्य की गुलाबी नगरी जयपुर के श्री दिगंबर जैन अतिश क्षेत्र पदमपुरा में 9 से 12 फरवरी 2023 के मध्य श्रावक सेवा संस्था गोरेगांव मुंबई द्वारा प्रथम बार 4 दिवसीय आयात निर्यात प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के द्वितीय दिवस यानी 10 फरवरी के आनंद प्रदायक दृश्य। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के श्री दिगंबर जैन अतिश क्षेत्र पदमपुरा में 9 से 12 फरवरी के मध्य परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में श्रावक सेवा संस्था गोरेगांव मुंबई द्वारा प्रथम बार 4 दिवसीय यह आयात निर्यात प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के द्वितीय दिन आयात निर्यात प्रशिक्षण को विस्तार से साझा कर प्रारंभिक रूप प्रदान किया गया। सेबी को संस्थापित करने वाले पहले डायरेक्टर कौन हैं? डीआर मेहता साहब, सेबी के पहले संस्थापक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, तो मैं उन्हीं की कहानी आपको सुना रहा हूँ। बात 1976 की है। एक बार उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना जबरदस्त होता है कि वो बैड रिडन हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं अब आपके लिए चलना भी मुश्किल होगा, लेकिन तब उनके बिस्तर पर उन्होंने एक संकल्प लिया कि जिस व्यक्ति के भी पांव नहीं है उसके पांव में लगवाऊंगा। एक संकल्प से इनोवेटिव काम, नवाचार पर। उस समय भारत में जो आर्टिफिशियल लेग लिम्स नहीं बनते थे उसकी उन्होंने शुरुआत करवाई कि ये काम शुरू करो। जयपुर में बड़े पैमाने पे काम शुरू हुआ। जो भी व्यक्ति आया उसके पांव लगवाते गए। तो एक लक्ष्य लीजिए, एक मकसद लीजिए, एक सामाजिक समस्या लीजिए, एक प्रॉब्लम लीजिए, जो प्रॉब्लम आपको लगे कि यस दिस इज दी नंबर वन प्रॉब्लम, एंड मेक इट योर एजेंडा एंड टेक अप दैट एज द मिशन ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन का मकसद उसी चीज को बना लीजिए और उस दिशा में आगे बढ़ते जाइए। बिकम अ ग्लोबल ब्रांड, एक ग्लोबल ब्रांड बन जाएगी। नहीं, आपके प्रोडक्ट का सोशल इम्पैक्ट कितना हो रहा है? जितना ज़्यादा सोशल इम्पैक्ट आपका होगा, लेट से इन्होंने एक डिजिटल काम बोला, तो आई हैव एसोसिएशन विद वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज फॉर प्रमोटिंग डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, अब डिजिटल एजुकेशन इंडिया में अगर बात करता हूँ और उसको सोशली लेके जाता हूँ, तो हर इंसान के जेब में आज क्या है? हर इंसान किससे एडिक्ट है? स्मार्टफोन से। अब जैसे आपके घर में किचन में छुरी होती है, छुरी से सब्जियां रोज काटते हैं, रोज खाते हैं, रोज सब्जियां बनाते हैं, छुरी की यूज करते हैं, और कुछ लोग छुरी का यूज अलग तरह भी करते हैं, तो एक छुरी है आपके पास। ठीक है, अब वो डिजिटल जो आपका डिवाइस है, जो मोबाइल फोन है आपके जेब में, वो डिजिटल डिवाइस एक प्रोफेशनल है जो जॉब करता है उसके लिए पार्ट टाइम इनकम सोर्स बन सकता है। आयात निर्यात कारोबार के बारे में विस्तार से साझा करने के उपरांत परम पूज्य राष्ट्र संत चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज ससंग के समारोह स्थल पर मंगल आगमन के साथ चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के पश्चात आयात निर्यात प्रशिक्षण शिविर में आए श्रद्धालुओं ने परम पूज्य राष्ट्र संत चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत व सम्मान किया गया।
स्वागत सम्मान के बाद परम पूज्य राष्ट्र संत चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से अमृत वाणी की मंगल वर्षा के साथ समस्त भक्तों को अभिभूत किया। राम और रावण की राशि एक है, एक दुनिया में पूजा जाता है, दूसरा दुनिया में दुत्कारा जाता है। निश्चित रूप से इस सब के पीछे अपना भाग्य और कर्म तो है ही, लेकिन सबके साथ आपका पुरुषार्थ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि भाग्य की कलियों पर, पुरुषार्थ की डालियों पर ही भाग्य के फूल खिला करते हैं। पुरुषार्थ करने वाले लोग छोटे से काम को बढ़ा करके इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, वो इंटरनेशनल कंपनी बन जाती है। जरा सी चीज का व्यापार करने वाला व्यक्ति एक दिन बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाता है। उद्योगपति जी आपके बीच में बैठे हैं, उन्हें मालूम होगा कैसे एक इंसान तत्परता से, साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है और ऊंचाइयों को हासिल करता है। गुरुदेव के मंगल प्रवचन के उपरांत वरिष्ठ जनों ने अगले क्रम में एक बार फिर प्रशिक्षार्थियों को उदाहरण के साथ प्रशिक्षण दिया। पहले इनकोटम था 2010, अभी इनकोटम आ गया है 2020। अब ये 10 साल 2030 में रिवाइज होगा, इंटरनेशनल रिवाइज होता है। ICC, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड काउंसिल, जो इंटरनेशनल बॉडीज है, वो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन पूरा डिसाइड करती है। तो अभी तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें जब एक्सपोर्ट करना है ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, इससे आपका 50% क्वेरी सॉल्व हो जाएगा कि सर कंट्री डूब गया तो क्या करना है, सर कंट्री माल खराब हो गया तो क्या होगा। रिस्क यहाँ पे डिफाइन है, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे नीचे आपको दिखे तो लिखा है ट्रांसफर ऑफ रिस्क लिखा है, तो जहाँ पे ब्लैक डॉट है, वहां से रिस्क ट्रांसफर हो जाता है। प्रशिक्षण के मध्य ही कारोबारियों ने ट्रेनर से अपने प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। फिर अपना मटेरियल गया, अपना तो गया, फिर आपको शिपिंग लाइन के जो होता है ना, वो रिस्क है। हाँ बिल्कुल है, रिस्क है। हाँ, उस रिस्क के बारे में आपने एक भी बार बताया नहीं था, इसलिए मैं आपको भी वो चीज क्लियर करना चाहता था, पर क्लास रुक गई थी। हाँ तो कोई, हाँ तो रिस्क है ना भाई, कोई नहीं, हमारे साथ ठगाई हो रही है। आप यहाँ पे आए हो, आपके घर में चोरी हो गई, कोई ठगाई कर रहा है, तो रिस्क है सर। तो इसके लिए क्या है जो हम लोग इसके लिए क्या पूरा पेमेंट पूरा लेना पड़ेगा? हाँ, उसमें क्या करो, 50% एडवांस लो, अगर 50% एडवांस आ गया ना तो डिस्काउंट में वहाँ दूसरा बायर मिल जाएगा, वो टेंशन नहीं रहता है। 10 रुपए की चीज है, आप किसी को 8 में दोगे, नई नई चीज वो ले ही लेगा, लोग तो धंधा है साहब, ये प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ ही शिविर में आए विशिष्ट अतिथियों का तिलक एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया, जहाँ विशिष्ट अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप इतनी देर बैठ करके आपने सुना भी, सुबह से चल रहे हैं कार्यक्रम, इसलिए मैं पहले चाहता हूं कि आप दो शब्द अपनी ओर से कहें। आप सभी को सादर जयतेन्द्र। अभी मैंने 15-20 मिनट यहाँ आयात निर्यात के समर्थन के संबंध में श्रावक सेवा संस्था गोरेगांव मुंबई द्वारा ये 4 दिवस से आयोजन किया जा रहा है। मैं पंडित महावीर जी को और कमल बाबू जी को, उनको बहुत भाग सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ, और आप सबको भी बहुत मैं बधाई देता हूँ कि आप यहाँ आए और यहाँ आकर के इसका लाभ ले रहे हैं, 2 दिन और लाभ लेंगे, और आपके इस प्रशिक्षण से आपको आयात निर्यात में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। कि इनका संग अनुपम जो MBA के अंदर बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुँचे थे और पूरे राजस्थान में क्या हिंदुस्तान में उन्होंने डंका गाड़ा था, और मॉरिशस के अंदर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमेशा सेमिनार लगाते हैं, हमेशा उनका कुछ ना कुछ आता रहता है, और बहुत बहुत उसने तरक्की करी है। अनुपम बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट, उनके पिताश्री आज यहाँ पधारे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया भर से 10 कंट्री से 20 कंट्री आती है, और इंडिया से भी करीब 70-80 पार्टिसिपेंट आते हैं। हर क्षेत्र के, इंडिया के हर क्षेत्र के जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी सर्विस लाइन के हैं, उन सबको हम चांस देते हैं,
और PO, CII और SOCM, ये सब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आप लोग भी कभी भी किसी तरह का काम हो तो हमारे इवेंट के थ्रू हमारे मॉरिशस में भाग ले सकते हैं, और किसी तरह की हेल्प हो और सब हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। आयात निर्यात प्रशिक्षण शिविर में बतौर ट्रेनर रहे परेज सोलंकी के साथ पंडित महावीर मनु ने अपने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए जिनवाड़ी चैनल का आभार प्रकट किया। मैं एक एक्सपोर्टर एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर हूँ। मैं यहाँ पे पदमपुरा के अंदर आया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेमिनार के अंदर, जो ऑर्गेनाइज किया गया है श्रावक सेवा संस्था के द्वारा। यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है और यहाँ पे एज ए ट्रेनर मैं लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे मैं धन्यवाद करता हूँ श्रावक सेवा संस्था का, जिसने इतना बड़ा और अच्छा सेमिनार जो है ऑर्गेनाइज किया है। ये सेमिनार से लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज मिलेगा, लोगों के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में अवेयरनेस आएगी, और अल्टीमेटली जो है लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखेंगे तो देश का एक्सपोर्ट होगा और देश की आर्थिक प्रगति होगी। एंड यहाँ पे जो है जिनवाणी चैनल जो है इसका पूरा रिकॉर्डिंग कर रहा है, मीडिया कवरेज दे रहा है, तो मैं उसका भी यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ। एंड श्रावक सेवा संस्था का भी धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़ा सेमिनार एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्री के अंदर उसने ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू। SSS श्रावक सेवा संस्था का अध्यक्ष के नाते मैं जिनवाणी चैनल को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने यहां पर आकर हमारी ये कवरेज की है। तो वहीं कार्यक्रम में उपस्थित प्रशिक्षार्थियों ने भी जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट किया। बाड़ा पदमपुरा में जो आयात निर्यात की एग्जीबिशन शिविर जो लगा है उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट आए हैं, और इसको ऑर्गेनाइज हमने ही किया है, और हमारी उदयपुर में वर्धमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से फर्म है, मिनरल इंडस्ट्रीज है, सोपस्टोन पाउडर बनाते हैं हम लोग। मैंने आज ही पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का प्रोग्राम, जो यहाँ के एक्सपर्ट लोग हैं जो सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि हमको लोकल से वोकल कैसे बनना है। तो बहुत अच्छा लगा कि हमको भी बहुत ऐसे मौके आएंगे जहाँ पर हमको बिजनेस को आगे बढ़ाने का है तो हम लोग बढ़ा सकते हैं। और श्रावक सेवा संस्था का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद श्रावक सेवा संस्था का। 9 से 12 फरवरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वर्कशॉप के लिए आया हूँ। यहाँ पर हमारे जो ट्रेनर हैं परेश सोलंकी जी, उन्होंने बहुत ही विस्तार से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हमें ज्ञान दिया, उन्होंने प्रारंभ से शुरू किया और पूरा प्रैक्टिकल हमें अभी तक नॉलेज दिया है। इसके साथ ही पुनः वरिष्ठ जनों ने प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देकर कार्यक्रम को अग्रिम रूप प्रदान किया। एक्सपोर्ट में क्या है, बायर है, कभी अपने तो इतने लोग विदेश में अंदर है, जान पहचान हो गए तो काम हो जाता है, तो इजी है, और नया आदमी है तो थोड़ा टाइम लगता है, तो एक्सपोर्ट करना इजी है। तो कोई भी पर्सन दा महीने का 5 कंट्री भी करेगा तो भी उसका 50 लाख से करोड़ का टर्नओवर होगा, उसमें 10% भी प्रॉफिट गिने 20% भी, तो वो बंदा महीने का 10 से 15 लाख रुपया कमा रहा है महीने का, सालाना आसानी से 1 करोड़ कमा लेता है। तो जो करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर जिसने नहीं करना है छोड़ दिया और बोला कि नहीं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है, उसका एक ही रीजन है, राजा महाराजा है लोग, क्या है, पैसा है तो मेहनत क्यों करें, कहाँ कमा के क्या करना है। तो थोड़ा ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और मर्चेंट को ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्यों, मैन्युफैक्चरर जो भी हो आदमी करोड़पति है। अभी एक बंदा आया था, सिर्फ उसका हार्डवेयर का होलसेल का धंधा था, बोला सर मेरे को बोला एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसा है सर, मैंने बोला एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस अच्छा है कर सकते हैं, बोला सर हम 50-60 लाख रुपया इधर ही कमा लेते हैं। हार्डवेयर की दुकान में इंडिया में सालाना 50-60 लाख रुपया बंदा कमा रहा है, तो इंडिया में भी बिजनेस अच्छा ही है, बट वो एक्सपोर्ट करेगा उसका टर्नओवर बढ़ेगा। प्रशिक्षण के मध्य ही पुनः परम पूज्य राष्ट्र संत चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों को अभिभूत किया। ना कहीं खुशी बिकती है ना कहीं गम बिकता है, लोग गलत फहमी में है कि शायद कहीं मरहम बिकता है, इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिंदी परिंदा है, इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है, उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों से ही जिंदा है, उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों से ही जिंदा है। उम्मीद का मतलब है आशा, एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, वो कभी उठ नहीं पाता है, मान लो तो जीत, मान लो तो हार। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि
यास मत टूटने दीजिए, आशा से आसमान टिका है। हो सकता है कि आज का जो बुरा वक्त है, कल आपके लिए कोई अच्छा और नया लेकर के आए। आचार्य श्री की मंगलवाणी श्रवण करने के बाद एक बार फिर से प्रशिक्षार्थियों को विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। हाउ टू फाइंड बायर फॉर एक्सपोर्ट। तो इसमें अब चाय के बाद आपको याद रहा है मेन इंपोर्टेंट चीज है, एग्जीबिशन से कितने मतलब तीन टाइप्स के बायर फाइंड किए जाते हैं। कौन से किसी जिसको याद है वह हाथ ऊपर करे। तीन टाइप के कैसे बायर मतलब तीन तरह के बायर फाइंड किए जा सकते हैं, तीन तरीके से, तो वो कौन से है। और भाई क्या बात है, लिखा भी नहीं है। होशियार लोग हैं, बता याद रखते फिर भूल जाते हैं। होशियार लोग क्या होते, पहले याद रखते फिर भूल जाते हैं। यस सर बताइए आप कौन से तीन है। सबसे पहले एग्जीबिशन, एग्जीबिशन का। हाँ सर आप बताइए अपना लिखो भाई, दूसरे लोग जिसने लिखा है अपना स्टॉल लगाए। टारगेट मार्केट के ऑडियंस को विजिट करें। जो भी एग्जीबिशन हुआ है उसका डायरेक्टरी मंगा ले। इसमें बोलते हैं टारगेट मार्केट। देखो मैं ग्लास का बोतल बनाता हूं, कौन सा बोतल, ग्लास का बोतल। तो ग्लास की बोतल किस में काम आती है, तो इसमें जिसने भी हनी का स्टॉल रखा है, हनी किस में बिकता है, कौन सी बोतल में, मोस्ट ऑफ ग्लास ग्लास की बोतल में बिकता है। तो ये स्टॉल वाला हनी बेच रहा है, उसकी हनी के सैंपल भी हो गए। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि इसका 200 ग्राम 600 ग्राम या 1 किलो का बोतल मैं तुमको ग्लास का दूंगा। इंडिया से अच्छा ग्लास एक्सपोर्ट हो रहा है अभी, यूपी से अच्छा, मुरादाबाद यूपी में ग्लास किधर बनता है, यूपी में स्पेशली फिरोजाबाद में, एक मेरा जान है बंदा है जानने वाला, बहुत ही अच्छा और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्लास तो बहुत सस्ता है तो उसके अंदर टर्नओवर भी, और क्या होता है ग्लास रिसाइकलेबल प्रोडक्ट है तो टर्नओवर भी बढ़िया होता है, प्रॉफिट भी बढ़िया है और अच्छा काम होता है। पंडित महावीर जी द्वारा बतौर ट्रेनर रहे परेज सोलंकी का अभिवादन एवं आभार प्रकट किया गया, जिसके साथ ही कार्यक्रम का समापन हो गया। हम लोग सर का जो इन्होंने हमें 2 दिन तक यहाँ पर रहकर बहुत ही इजी तरीके से इन्होंने जो सिखाया है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में, वो यकीनन हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। ट्रेनर के तौर पर परेश सोलंकी जो ऑनलाइन एग्जिम डॉट कॉम अपनी सर्विस देते हैं और इनके पास कई लोग सीखने के लिए आते हैं, और हमें हमारे सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छा लगा इनके जो सिखाने का तरीका था, तो इसलिए हम इनका सम्मान करते हैं, हार्दिक सम्मान करते हैं आप सबका। तालियां बजाकर सर का अभिवादन करें। दर्शकों भी आप देख रहे थे राजस्थान राज्य के शहर जयपुर की पावन भूमि श्री दिगंबर जैन अतिश्य क्षेत्र पदमपुरा में 9 से 12 फरवरी के मध्य श्रावक सेवा संस्था गोरेगांव मुंबई द्वारा प्रथम बार आयोजित 4 दिवसीय आयात निर्यात प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम के मनोहारी दृश्य। ये कार्यक्रम परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। आज के लिए बस इतना ही, हम पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम के तृतीय दिवस के दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती घिसीबाई एवं श्री धूलचंद जी एवं पुत्रवधू भगवंती देवी की स्मृति में श्री कालू लाल जी केलावत, पुत्र पुत्रवधू महावीर, पुष्पा, मुकेश, रेखा, बेटी दामाद अनीता, रमेश जी भिंडरिया, पौत्र पौत्री मनीष, भारती, हर्ष, पलक, विशाखा एवं समस्त केलावत परिवार गुड़ेल, हाल गोरेगांव मुंबई, फर्म अरिहंत वाइंडिंग एंड हार्डवेयर, आदिनाथ ट्रेडर्स मुंबई।